Hello everybody, welcome to your favorite channel Brain of Solution. Today we'll be doing question number 19 from exercise 12A. Question 19 is the side of a triangle and the ratio of 2 is to 3 is to 4. इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ है? एक ट्राइंगल है सपोज, ठीक है, उसकी थ्री साइड होती है ट्राइंगल में, जो इनका रेशियो है दैट इज 2:3:4, क्लियर है? ऐसा नहीं है दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर. रेशियो जो गिवन है वो है 2:3:4. अगर मैं इसमें एक कॉन्स्टेंट 1 मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा 2:3:4, क्लियर. लेकिन इफ आई मल्टीप्लाई दीज नंबर्स बाय 2, अगर मैं 2 से सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ तो अब क्या बनेगी, ये वाली साइड हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, दिस साइड विल बी 6 सेंटीमीटर एंड दिस साइड विल बी 8 सेंटीमीटर, क्लियर है? तो ये मतलब समझ में आ गया ना कि यहाँ पे रेशियो गिवन है, एग्जैक्ट जो है साइज गिवन नहीं है, ठीक है. तो इनका रेशियो कितना है, 2:3:4, क्लियर है. इन द नेक्स्ट पार्ट इज द पेरीमीटर इज गिवन एज 72 सेंटीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी फिगर का जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री का जो होता है सम, दैट इज पेरीमीटर. तो यहाँ पे बाउंड्री कितनी हो जाएगी, इस साइड को ऐड करती हूँ इस साइड को, इस साइड, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 72 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्लियर है, ठीक है. तो फिर हम क्या करेंगे इसमें, हम अगेन विल अज्यूम लेट द कॉन्स्टेंट बी एक्स, ये हमने कॉन्स्टेंट मान लिया है एक्स को, ठीक है. तो फिर ए साइड कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 2x, बी साइड कितनी हो जाएगी 3 × x एंड साइड सी विल बी 4 × x, ठीक है. ए हो जाएगी 2x, बी हो जाएगी 3x, सी हो जाएगी 4x, राइट. अब मैं क्या करती हूं, क्योंकि पेरीमीटर गिवन है तो मैं तीनों साइड्स का सम कर सकती हूँ, ठीक है. ए प्लस बी प्लस सी तो 72 होता है, तो ए की जगह 2x रखती हूँ, बी की जगह 3x एंड आई पुट 4x इंस्टेड ऑफ सी, ठीक है. तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 72, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 × 8 = 72, ठीक है. क्या करा मैंने, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में लेके आती हूँ, ठीक है, 9 × 8 = 72, तो एक्स की वैल्यू आ गई ना 8 आ गई, राइट. अब साइड्स निकालनी है इसमें, तो ए साइड ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ए विल बी 2 × 8 = 16 सेंटीमीटर, ठीक है. बी कितनी हो जाएगी, 3 × 8 = 24 सेंटीमीटर, सी हो जाएगी 4 × 8 = 24 सेंटीमीटर. क्या करा है हमने इसमें, एक्स की वैल्यू 8 पुट कर दी है, ठीक है. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 20. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आप लोगों का एक एक लाइक एक एक कमेंट मींस अ लॉट फॉर अस, है ना. यही तो हमें मोटिवेट करता है कि नहीं भाई सिक्स क्लास के लिए आई हैव टू मेक मोर वीडियोस, है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स प्रोड्यूस टू द नंबर ऑफ गुड बल्ब्स इज 1:10, ठीक है. एक कोई फैक्ट्री है जिसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, मतलब कुछ बल्ब बन रहे हैं एक फैक्ट्री में, और कुछ भाई अच्छे भी बनते हैं कुछ खराब भी बनते हैं, ठीक है. तो क्या रेशियो है 1:10 का, अगर 10 अच्छे बल्ब बनते हैं तो 1 among them इज डिफेक्टिव, उनमें से एक बल्ब खराब भी बनता है, ठीक है, क्लियर है. अगर सपोज मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, अगर 20 बल्ब्स अच्छे बन रहे हैं तो डिफेक्टिव कितने बन रहे हैं, 2 बल्ब्स, क्लियर है, ठीक है. ये समझ में आ गया ना रेशियो का मतलब. तो इन एन आवर एक घंटे में दे आर प्रोड्यूसिंग 330 बल्ब्स, एक घंटे में इतने बल्ब्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक. तो हमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स निकालने हैं, राइट. तो हम क्या करेंगे, डिफेक्टिव बल्ब्स निकालने, तो हम एक कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, लेट द कॉन्स्टेंट बी एक्स, हमें नहीं पता है यहां 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से किससे मल्टीप्लाई करना है, वी डोंट नो ना, तो हमने एक कॉन्स्टेंट मान लिया एक्स. तो फिर डिफेक्टिव बल्ब कितने हो जाएंगे, 1 × x, ये तो रेशियो है, ठीक है, तो 1 × x. और गुड बल्ब कितने हो जाएंगे,
10 into x. ठीक है, क्लियर है? 1 से मल्टीप्लाई करो 1x, 10 से मल्टीप्लाई करो 10x. हमें पता है टोटल बल्ब है 330. तो अगर हम डिफेक्टिव और गुड को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल बल्ब्स आ जाएंगे 1x प्लस 10x, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब आ गए. क्लियर है? 11x इज इक्वल टू 330. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 330 अपॉन 11, दिस इज 30. तो x इज इक्वल टू 30 आ गया. क्लियर है? अब हमें निकालना है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब. तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितना है, 1 इंटू एक्स, है ना? तो फिर डिफेक्टिव बल्ब है 1 इंटू एक्स. एक्स क्या है, 30. तो दिस इज 30. दैट मीन्स वो कितना उस फैक्ट्री में एक घंटे में कितने डिफेक्टिव बल्ब प्रोड्यूस हो रहे हैं, 30 डिफेक्टिव बल्ब आर प्रोड्यूसिंग. ठीक है, थैंक यू.